तो अभी ये मैंने ये माइक निकाल दिया है, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा मेरी पहले वाली वॉइस और अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वाली वॉइस में क्या डिफरेंट है। ठीक, व्हाट्स अप गाइस, दिस इज प्रीत और आप देख रहे हो प्रीत टेक टिप्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारे एक्सटर्नल माइक को लेके। जी हाँ, कि हम अपने मोबाइल फ़ोन का जो मेन बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा होता है उसमें हम अपने इंटरनल माइक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या है सेटिंग। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे ये जो सेटिंग है हमारे फ़ोन्स के अंदर होती है, ओप्पो और रियलमी। जी हाँ, ओप्पो और रियलमी के अंदर जो हमारी ये सेटिंग है हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, कैसे एक्सटर्नल माइक लगा के हम अपने फ़ोन में अपने बाय डिफ़ॉल्ट जो कैमरा होता है उसमें कैसे वीडियो के साथ जो ऑडियो है वो एकदम अच्छी ऑडियो दे सकते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को या फिर हमारी वीडियो में। ठीक है, एक्सटर्नल माइक की क्यों ज़रूरत पड़ती है, जैसे मोबाइल दूर है हम शूट कर रहे हैं तो वो हमारी वॉइस है ना वो एक ऑफिशियल तरीके की तरह नहीं हमें सुनाई देती, ठीक है, थोड़ी नॉइस वगैरह आती है। ठीक है, तो इसलिए हम ये जो हमारे होते हैं एक्सटर्नल माइक वगैरह, जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ अभी, वॉइस आप सुन सकते हो, ये मैं अपने जो शूट कर रहा हूँ ये मेरे पास रियलमी का फ़ोन है और बाय डिफ़ॉल्ट जो कैमरा इंस्टॉल आता है उसमें ही ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ सिंपल सी सेटिंग्स होती हैं जो आपने करनी है। क्या होता है कि हम अपने कैमरे की सेटिंग में सेटिंग्स ढूंढते रहते हैं लेकिन वहाँ पे नहीं होती, तो फिर क्या करते हैं हम डाउनलोड करते हैं ओपन कैमरा या फिर कोई और भी सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको ये एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उनमें वीडियो बहुत अच्छी बनती है लेकिन प्रॉब्लम क्या कहाँ आती है, वो जो कैमरास होते हैं वो जस्ट हमारे फ़ोन का प्राइमरी सेंसर ही यूज़ करते हैं, जैसे वाइड एंगल नहीं यूज़ करेंगे। अगर हमें पोर्ट्रेट वीडियो बनानी होती है, जैसे पोर्ट्रेट फ़ोटो खींचते हैं आजकल फ़ोन्स में, बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो में भी वो फीचर आ रहा है, तो हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उन सब कैमरास में नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो कैमरा होता है हमारा उसमें ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अभी जो मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट, मेरा कैमरा जो फ़ोन में प्री इंस्टॉल है उसमें से मैं वीडियो बना रहा हूँ और माइक को भी यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं आपको माइक उतार के बता देता हूँ कि कैसी वॉइस आती है। तो अभी मैंने ये माइक निकाल दिया है, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा मेरी पहले वाली वॉइस और अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वाली वॉइस में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो ये माइक थोड़ा ठीक है, इतना अच्छा नहीं है, तो जस्ट अभी मैं बना रहा हूँ वीडियो, मेरे पास ये है तो मैंने यूज़ करके आपको ये दिखाने के लिए मैंने ये मंगवाया था। तो अभी कैसे बनानी है, वो सेटिंग क्या है, कैसे इनेबल करनी है स्क्रीन पे बताता हूँ। तो गाइज, ये जो सेटिंग है वो कहाँ पे होती है, आपने क्या करना है, आपके पास अगर ओप्पो और रियलमी का फ़ोन है, ये उन फोन्स की मैं सेटिंग बता रहा हूँ, बाकी अदर डिवाइसेस की मुझे नहीं पता कि उनमें ये फीचर है या नहीं है, लेकिन ओप्पो और रियलमी में ये फीचर आता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सेटिंग में जाना है, ठीक है, सेटिंग के बाद स्क्रॉल डाउन साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, लास्ट में चले जाना है अदर सेटिंग्स पे, ठीक है, यहाँ पे अदर सेटिंग्स, तो उसके बाद आपने यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर ये आ रहा होगा, ठीक है, तो आपके यहाँ ये ऑटो सिलेक्टेड होगा, आपने क्या करना है ऑटो सिलेक्टेड हटा के ऐड ऑन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये सेटिंग कर दी है, अभी आप देख सकते हो मैं ये माइक है मेरे पास, ये वाला जो माइक है 3mm जैक वाला, ठीक है, ये देख सकते हो, ये मैं नीचे लगाता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल कर दिया, तो ये मैंने इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे साइन आ रहा है, ठीक है, माइक का, ये हो सकता है मेरी रिकॉर्डिंग वाली वॉइस भी इस माइक से अभी आ रही होगी, पहले आ रही थी वो फ़ोन के माइक्रोफोन से, ठीक है, अभी ये जो एक्सटर्नल माइक है इससे आ रही है। अभी देखिए मैं कैमरा ओपन करता हूँ, ठीक है, तो आप इससे जो भी वीडियो बनाओगे, ठीक है, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो इससे होगी, ठीक है, तो अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो अभी जो मेरी वॉइस है वो आ रही है आपके, ये मैंने जैक निकाल दिया,
अभी जो वॉइस आ रही है वो आ रही है उनके अंदर जो माइक है उससे रिकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप कर सकते हो, ऊपर देख सकते हो साइन भी चला गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, ऐसे ही मैं मज़ेदार ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आता रहता हूँ आपके लिए, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।